हाय एवरीवन, मैं सुनीता खन्ना आज आपको भरवा शिमली मिर्ची की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए मैंने एक पाव शिमला मिर्ची ली है जिन्हें मैंने दो पीसेस में कट कर दिया है और उसके बीज अंदर से निकाल दिए हैं और इसकी डंडियाँ भी काट दी हैं। और चार आलू उबाल के लिए जिसे मैंने मैश कर लिया है, एक प्याज और हरी मिर्ची उसको मैंने चॉप किया है, धनिया, हींग, जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट और मैंने थोड़े सूखे मसाले लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आमचूर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो गया, अब मैं उसमें जीरा डाल रही हूँ। अब मैं उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इसे मैं थोड़ा देर चलाऊंगी। प्याज को मैंने थोड़ा भून लिया है, अब मैं उसमें हींग डाल रही हूँ और उसके बाद मैं उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी और उसे भी मैं भूनूंगी। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी मैंने भून लिया है, अब मैं उसमें सब सूखे मसाले डाल रही हूँ और उसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। उसे अच्छी तरह भूनने के बाद मैं अब उसमें आलू डालूंगी। आलू डालने के बाद मैं उसमें मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मैंने आलूओं को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और उसे 2 मिनट तक भून लिया है। अब मैं उसमें धनिया डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं गैस बंद कर रही हूँ और आलूओं को ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे शिमला मिर्ची में भरूँगी। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं और मैंने एक प्लेट में 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच रवा लिया है जिसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अभी मैं शिमला मिर्च में आलू भरूंगी। उसे अच्छी तरह दबाकर भरूंगी ताकि वो बाहर नहीं निकले। अब इस शिमला मिर्ची को मैं चावल और रवा में उल्टा लगाऊंगी, ये मैं इसकी कोटिंग करूंगी ताकि आलू हमारा बाहर नहीं निकल सके। मैं इस तरह सब शिमला मिर्च भर लूंगी। मैंने सारी शिमला मिर्च को भर लिया है और कढ़ाई में तेल भी गर्म होने लग गया था, अब मैं उसमें शिमला मिर्ची को डाल रही हूँ। अभी मैं इसे लो टू मीडियम गैस पे ढक के रख दूंगी ताकि शिमला मिर्ची अच्छे से पक जाए। मैंने कढ़ाई को लो टू मीडियम गैस पे ढक के रखा था, अब मैं इसमें इसे एक बार मैं पलट चुकी हूँ, अब मैं उसे दूसरी बार पलट रही हूँ और जहाँ शिमला मिर्ची कच्ची है उस तरफ उसको नीचे कर रही हूँ और फिर मैं उसे एक बार ढक के रख दूँगी ताकि शिमला मिर्च अच्छी तरह पक जाए। शिमला मिर्ची को मैंने और पलट दिया है। शिमला मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो गई है और 2 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगी। बस शिमला मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और शिमला मिर्ची को सर्व कर रही हूँ। शिमला मिर्ची हमारी खाने के लिए रेडी है। इसे आप परोठा, फुलका के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।